जनपद मुरादाबाद के कपूर कंपनी स्थित प्राचीन शीतला देवी माता मंदिर में 15 दिवसीय बसौड़ा मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में शीतला माता के दर्शन करने और माता का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मंदिर की मान्यता है कि जो भी विवाहित जोड़े माता शीतला से संतान प्राप्ति, सुखद दाम्पत्य जीवन सहित अपनी अन्य तमाम मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में आते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि होलिका दहन के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, उसे ठंडा करने के लिए माता शीतला पर जल चढ़ाया जाता है। वहीं मंदिर के पुजारी परमानंद गोस्वामी कहते हैं कि होलिका माता का ये प्राचीन मंदिर 400 से 500 वर्ष पुराना है। बासी भोजन का माता को भोग लगाकर और शीतल जल चढ़ाकर श्रद्धालु माता का पूजन अर्चन कर मंदिर प्रांगण में बैठकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ मेला 15 दिन तक चलता है। जनपद सहित आसपास के जनपदों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए मंदिर पर पहुंचे सभी भक्तों ने कहा, हाँ बहुत मान्यता है, शादी होती है उनकी जात लगती है, जैसे लड़के होते हैं जात लगती है, और प्रसाद चढ़ता है सबका, और खाना लेके आते हैं, खाना है भगवान जी का भोग लगा के भी खाना खा जाता है यहाँ पे। हाँ सब इच्छा पूरी होती है। माता के दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए होलिका होली के बाद में, और जो नई दूल्हा दुल्हन होते हैं वो प्रसाद चढ़ाते हैं, जात लगाते हैं, और बच्चों के लिए मन्नतें मांगते हैं। हाँ यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। दूर दूर से आते हैं, बाहर गाँवों से बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। कपूर कंपनी के शीतला माता मंदिर पे और प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं, और हमारी शुरू से ही मान्यता है यहाँ पे, और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। यहाँ पे अब तो बहुत दूर दूर से भी लोग भी आते हैं। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तभी वो श्रद्धा भक्ति से हर बार आते हैं। मंदिर के पुजारी ने भी ये जानकारी दी कि होली के दूसरे दिन यहाँ मेला लगता है और ये कई वर्षों से लगता आ रहा है। यहाँ सभी लोग पहुंचकर अपनी अपनी मनोकामनाएं माँ के दरबार में रखते हैं। होली के अगले दिन मेला लगता है, ये बसौड़े का मेला कहलाता है। यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है वो घर से बना कर लाते हैं, स्त्रियाँ अपने घर से मतलब खाना बना के लाती हैं, और जो बासी होता है वो माँ को भोग लगा करके फिर यही बैठ के प्रांगण में ग्रहण करते हैं। पता तो यही है कि जिन लोगों के विवाह और शादी वगैरह मतलब नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पर आकर के अपनी मनोती मांगते हैं और पूरी हो जाती है उनकी। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, मुझे इसका पूरा ध्यान भी नहीं है कब से है, लेकिन हमारे दादाजी वगैरह बताया करते थे कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 400-500 वर्ष प्राचीन है ये। पूरे शहर के मुरादाबाद के आते हैं, आसपास के जिलों से भी आते हैं।